3 बजे खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2022 का छठा मुकाबला। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान सुरेश अय्यर ने घोषित की अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 टीम में शामिल हुए ये दिग्गज खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के छठे मुकाबले के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा, इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां पर होने वाला है। साथ ही हम जानेंगे कि इस मुकाबले के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान सुरेश अय्यर ने अपनी प्लेइंग 11 क्या रखी है, किन बड़े बदलावों के साथ ये टीम मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस आईपीएल के मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 100 लाइक, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 का छठा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाने वाला है। इस मुकाबले का आयोजन आज थोड़ी देर में डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाला है। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम को 7:30 पर होने वाली है। वहीं पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप टेलीविजन में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क और मोबाइल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे। साथ ही आप इसे जियो टीवी पर बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। भाई दोस्तों, आईपीएल 2022 के आज के इस मुकाबले की हम बात करें तो यह मुकाबला फाफ डुप्लेसिस और सुरेश अय्यर की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों के बीच होने वाला है। यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है क्योंकि एक टीम जहां जीत कर आई है तो दूसरी टीम हार के साथ इस मुकाबले में उतरने वाली है। दोनों टीमों के अब तक के आईपीएल के इतिहास की हम बात करें तो दोनों टीमें अब तक 27 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 13 मुकाबलों को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने नाम पर किया है, तो वहीं पर 15 मुकाबलों को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने नाम पर किया है। देखा जाए तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर थोड़ा सा भारी दिख रहा है। साल 2021 की हम बात करें तो साल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आरसीबी की टीम के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली की टीम को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज करी थी। वहीं पर हम बात करें आईपीएल 2022 में इन दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की, तो इसका पहला मुकाबला काफ़ी शानदार रहा, जिन्होंने चैंपियन टीम को पहले ही मुकाबले में हराकर साबित कर दिया कि ये टीम इस बार अलग ही फॉर्म में उतरने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाज पहले मुकाबले में काफ़ी शानदार रही। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी की हम बात करें तो उमेश यादव ने जहां 4 ओवर में 20 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल, सुनील नारायण वो काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी करके कामयाब हुए थे, जिसके चलते वे चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम को सिर्फ 131 रनों पर ही रोकने में कामयाब हुई थी ये टीम। इस पर इसके अलावा बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में इनके ओपनर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। उन्होंने 34 गेंदों पर शानदार 44 रनों की पारी खेली। तो इसके अलावा टीम के लिए नीतीश राणा, सुरेश अय्यर, सैम बिलिंग्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। हालांकि ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं था, जिसके चलते हुए यहाँ पर यह बड़ी पारियाँ नहीं खेल पाई, लेकिन छोटी छोटी पारियाँ खेलकर दिखाई, जिससे लग रहा है कि यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के कई बल्लेबाज एक साथ शानदार फॉर्म में उतरने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहां पर शानदार फॉर्म में नजर आ रही है एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के सामने। वहीं दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की, आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ ये टीम मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, हमें इस टीम की तरफ से ओपनिंग करेंगे एक बार फिर वेंकटेश अय्यर के साथ अजिंक्य रहाणे। दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती मुकाबले में भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया था, तो यहाँ पर एक बार फिर उम्मीद होगी कि ये टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। तो नंबर 3 पर इस टीम के कप्तान सुरेश अय्यर उतरेंगे, तो नंबर 4 पर नीतीश राणा, तो नंबर 5 पर सैम बिलिंग्स खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 6 पर आंद्रे रसल, तो नंबर 7 पर सुनील नारायण, तो नंबर 8 पर टीम साउथी खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 9 पर शिवम मावी, तो वहीं पर नंबर 10 पर उमेश यादव, तो नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखने वाले हैं। देखा जाए तो अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर भारी रहा है। तो दोस्तों, इस दोनों टीमों के बारे में आपकी क्या राय है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी, हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।